आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सो दैट Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम जानते हैं नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल में तो Ne2 के पास हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन। इसकी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, σ2px2, σ2px2, π2px2, सॉरी π2py2, π*2py2 एंड σ*2py2 एंड σ*2px2। एंड यहाँ पर आएगा 2pz2 पाई के बाद, 2pz2। तो जब हम देख लेते, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इसके, जिसमें से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है हमारा हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 10 एंड एंटी बॉन्डिंग इज ऑल्सो 10। तो हमारा ये इक्वल टू जाएगा हाफ 10 माइनस 10 हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0, हेंस इट डज नॉट एग्जिस्ट। दैट इज Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव आता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये है हमारे इधर σ2pz2, ये हो गया हमारा इसका। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।